नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नाला कुलरी के कुछ मजदूरों की हाजिरी नहीं बनने और 3 महीने से वेतन नहीं मिलने की खबर लगातार गोल्ड फिल्म मिरर CFM में प्रकाशित व प्रसारित करने का असर हुआ। शुक्रवार से चासनाला के मजदूरों की हाजिरी नामनगर कॉलोनी में बनने की अनुमति मिल गई। गौरतलब है कि झारखंड के धनबाद स्थित 6 LSP की कोल इकाई चासनाला कुलरी के दर्जनों श्रमिक जो पश्चिम बंगाल के ब्राकर में व आसपास में रहते हैं, उनका लॉकडाउन के कारण बीते 52 दिनों से हाजिरी नहीं बन पा रही थी। क्योंकि लॉकडाउन के कारण बंगाल झारखंड की सीमा बंद हो गई है, जहां से उन्हें जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी और इसी वजह से उनकी हाजिरी नहीं बन पाई, जिसके कारण उन श्रमिकों का मार्च महीने से वेतन भी बकाया रह गया। जबकि लॉकडाउन की घोषणा के वक्त ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया था कि जो जहाँ है वहाँ हाजिरी बना सकते हैं। हालांकि इसका पालन सेल ISP के अधिकारियों के साथ बाखूबी किया जा रहा था। चासनाला के जो अधिकारी बंगाल में रह रहे हैं, उनका हाजिरी रामनगर कॉलोनी में बन रही थी, जो सेल ISP की कंसर्न है, लेकिन मजदूरों को इस सुविधा से वंचित रखा गया था, उनकी हाजिरी नहीं बन पा रही थी। लगभग 3 महीने वेतन नहीं मिलने के कारण मजदूरों की आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई, जिसे देखते हुए स्थानीय तृणमूल नेता अरमान खान ने सहयोग का हाथ बढ़ाया। अरमान खान ने इसकी जानकारी कुलटी विधायक उदित चटर्जी को दी। उनके दिशा निर्देश पर कार्य करते हुए ISP प्रबंधन से वार्ता की, मगर सफलता नहीं मिलने पर अरमान खान ने ADM, SDM और कुलटी थाना से इसकी लिखित जानकारी देकर उक्त अधिकारियों को मजदूरों की समस्याओं से अवगत कराया। फिर भी कोई बात बनती नहीं देख गुरुवार को धरना प्रदर्शन देने के लिए वे लोग बाध्य हो गए। धरना शुरू होने के कुछ ही समय बाद रामनगर कोलेरी पर्सनल मैनेजर अनिल कुमार ने अरमान खान और मजदूरों से बात करके लॉकडाउन तक रामनगर कोलेरी में हाजिरी बनाने की स्वीकृति दे दी, जिसके बाद श्रमिकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। श्रमिकों ने कहा कि हाजिरी नहीं बनने और वेतन नहीं मिलने के कारण हम लोग हताश हो गए थे, लेकिन अरमान खान हम लोगों के लिए फरिश्ता बनकर आए। श्रमिकों ने इस कार्य के लिए अरमान खान समेत विधायक उज्जल चटर्जी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत पूरे तृणमूल कांग्रेस को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि मीडिया ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया है, जिसके कारण हम लोगों को आज सफलता मिली है। आप लोगों का हाजिरी नहीं बन रहा था? हाजिरी आज 52 दिन हो रहा है, 23 मार्च से आज को हम लोगों को सफल हुआ है। इसका लिए खुशी का आनंद है, कोई भूखे वाला को कुछ खाना मिल जाए, इससे और खुशी ज्यादा नहीं है। इस खुशी में किसका सहयोग था? TMC का, तृणमूल कांग्रेस का सहयोगिता है, उसी का आधार पर आज को हम लोगों को खुशी मिला। आप लोगों का अटेंडेंस कहाँ पे बनेगा? अटेंडेंस रामनगर में अभी बोला है मैनेजमेंट, अभी अटेंडेंस रामनगर में हो रहा है। और आप लोग जॉब कहाँ, ड्यूटी कहाँ पे करते हैं? चासनाला कोलियरी ISP सेल, इसी उसी का ब्रांच है रामनगर कोलियरी ISP। आज से आप लोगों का अटेंडेंस शुरू हो चुका है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, क्योंकि आज से हम लोग को जो हम लोग आज विगत 20-30-35 दिन से यहाँ से हम लोग आंदोलन किया, तो उज्जल चटर्जी विधायक और अरमान खान के नेतृत्व में हम लोग का आंदोलन किया था सेल कर्मी सब, तो हम लोग अटेंडेंस के बारे में हम लोग आंदोलन किया था, आज जो सक्सेस होने जा रहा है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय तृणमूल पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व में और आपका विधायक उज्जल चटर्जी, अरमान खान, ये लोग सब हम लोग को सहयोग किया। हम लोग सब श्रमिक मिल के इकट्ठा होकर हम लोग कंपनी के ऊपर विरोध करके आंदोलन किया। आज से आप लोगों का अटेंडेंस बनना शुरू हो चुका है? हाँ, आज से हम लोग को कंपनी अभी अटेंडेंस बनाने के लिए शुरू किया, तो हम लोग इसलिए बहुत बहुत बधाई देता है तृणमूल पार्टी उज्जल चटर्जी को, अरमान खान को और मेरे सब श्रमिक भाइयों को। से आप लोगों का हाजिरी शुरू हो गया है, तो कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज से हम लोग का हाजिरी हुआ है। एक जो हम लोग का अरमान खान यहाँ का लोकार यूनियन नेता और उज्जवल दा विधायक और ममता बनर्जी का इसे हो रहा है, हुआ हम लोगों का इस सफल हुआ, तो बहुत बढ़िया लग रहा है हम लोग को। कितने दिनों से हाजिरी को लेकर के परेशान थे आप लोग? हम लोग 23 तारीख से हाजिरी, तेईस मार्च मतलब 52 दिन हो गया, हम लोग का कोई नहीं आया, हाजिर नहीं हुआ, लेकिन आज हम लोग का ये हाजिरी हुआ उज्जवल दा और अरमान खान का सहयोग से हम लोगों का ये हाजिरी आज मिला, उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। से आप लोगों का हाजिरी शुरू हो चुका है, रामनगर कोलियरी में अटेंडेंस बन रहा है,
कैसा फील हो रहा आपको, क्या महसूस कर रहे हैं? অবশেষে আজ আমাদের মুখে হাসি ফুটলো, কারণ দীর্ঘ চব্বিশ দিন থেকে আমাদের এখানে অ্যাটেন্ডেন্স হচ্ছিল না, চাচরালা যেতে পারছিলাম না, আমাদের লকডাউনে ফেঁসেছিলাম, যার জন্য আমরা খুবই দুঃখিত ছিলাম। কারো মনে ইয়ে ছিল না, সাত ঘরের পরিবারের আজ আমাদের অসুবিধা ভোগ করছিলাম, যার জন্য উজ্জ্বল চ্যাটার্জিকে নিয়ে আমাদের বিধায়ক তাকে নিয়ে আমরা আজকে আন্দোলনে সাকসেস হয়েছি, আজ আমাদের এখানে অ্যাটেন্ডেন্স হয়েছে। আরমান ভাই আমাদের সহযোগিতা করেছে, ওনাকে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ, উজ্জ্বল চ্যাটার্জিকে অশেষ ধন্যবাদ, আজ আমাদের মুখে হাসি ফুটেছে। आज मजदूरों के साथ जो उन लोगों को हाजिरी दिलवाने का काम आपने किया है, अटेंडेंस जो उन लोगों का बन रहा है, तो आप क्या महसूस क्या कर रहे हैं? जी, महसूस तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि मजदूरों को उनका हक मिला है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय कुलटी के विधायक उदय चटर्जी का, जिनके आश्वासन से, जिनके निर्देश अनुसार हम जो आगे बढ़े मजदूरों को लेके और कामयाब हुए, तो इससे बड़ी और खुशी क्या होगी हम लोगों के लिए। आज टीएमसी पार्टी, ममता बनर्जी की सरकार और उन लोगों को लेके आज आगे बढ़ें, और तमाम मजदूर हमारे साथ में, रामनगर के मजदूर कंधे में कंधे मिला के हमारे साथ दिए, इस लड़ाई में हम लोग लड़े और जीते, इससे बड़ा खुशी और हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। कितने दिनों से आप मजदूरों का सहयोग कर रहे हैं? जी, जब से होश संभाले हैं सबसे मजदूरों के लिए ही सहयोग नहीं, कर रहे हैं। इस यहाँ लॉकडाउन में जो मजदूरों की समस्या जो थी उसमें लगभग 23-25 दिन हो गया है। आप तो शुरू से कवर कर रही हैं इसको, कि हम लोग कैसे कैसे यहाँ पे किन किन समस्याओं से, तीन बार चिट्ठी दिया गया, बहुत आदमी परेशान था, और आज देखिए कि हम लोग कामयाब हुए इसके लिए। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, CFM चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के मजदूरों को तरफ से भी CFM चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यहाँ रामनगर कोलियरी से ही इन लोगों का हाजिरी बनेगा? जी हाँ, आज से मैनेजमेंट से हमारी बात हुई है, आज से रामनगर से ही हाजिरी बना जा रहा है। जब तक लॉकडाउन का समस्या रहेगा तब तक यहाँ पे हाजिरी होगी। कितने मजदूरों का आज से हाजिरी बनेगा? लगभग 50 से 60 है मजदूर है। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम अरमान खान, यहाँ के एक्स काउंसिलर खालिद खान के भाई, वार्ड नंबर 66। धन्यवाद सर।